शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके हाँ भाई, पहले डिफरेंस देखते हैं मेल और फीमेल का। हम आज पढ़ेंगे हमारे जो हैंड आउट्स, किसमें? रिप्रोडक्शन चैप्टर में। 40 से 45 मिनट में इधर उधर करके घुमा के छोड़ेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी, थोड़ी बहुत चीजें नहीं सीख लेंगे। मेल की स्किन ऑयली होती है ज्यादा एज कंपेयर टू फीमेल, ये याद रखना। और होल बॉडी गेट्स कर्वियर, बॉडी में ना रिंकल्स ज्यादा होते हैं फीमेल में, रिंकल्स ज्यादा होते हैं, झरिया। शोल्डर वाइड होते हैं मेल में, फीमेल में नहीं, नेरो होते हैं। फेशियल हेयर होते हैं फीमेल में नहीं, और हेयर अंडर द आर्म्स कॉमन है दोनों में, ठीक है। ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप, ब्रेस्ट डेवलप होते हैं यहाँ पे नहीं। जो ये बोन है, ये इलियक बोन, ये वाइड होता है फीमेल में, और मेल में ये वाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्यों यहाँ पे वाइड होता है, रीजन बताएं। एब्डोमिनल कैविटी, बच्चे को जगह देने के लिए ये जो बोन्स हैं इनोमिनेट का, इलियम प्लेट जो है, इलियम को प्लेट कहते हैं, ये थोड़ी बाहर है, यानी हिप जो है वो मोटा है, बाहर है थोड़ा, ठीक है। बाकी प्यूबिक हेयर दोनों में कॉमन है। बाकी लेग मसल भी बिगर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी घूमना है, फिरना है, दौड़ना है, भागना है, तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलो ये तो ऐसे, अगर दोनों का ढांचा ले लें, इसका भी स्केलेटल ले लें, इसका भी स्केलेटल ले लें, डिफरेंस कहाँ पे नजर आएगा? स्केलेटन में, यहाँ पे और थोड़ा बहुत यहाँ पे, बाकी देयर इज नो डिफरेंस। डिसाउंडा घना रीजन है ने जो पटिया चाना लो दवा। हाँ विसरी वे वा मुनीब, मुनीब दिसाऊंदा। हाँ भाई ये स्लाइड देखें, ये और व्यू ले रहे हैं हम बस, के ये फ्रंटल व्यू से दिखाई दी है कि ये टेस्टिस का पेयर है एक, ये दूसरा। टेस्टिस के ऊपर ये जो केनाल है, ये एपिडिडाइमिस होगी, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वाज फ्रेंशिया अंदर होंगी। चलो एपिडिडाइमिस से जो डक्ट निकल रही है, मेन डक्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? वाज डिफरेंस या डिफरेंस डक्टियोल्स या डिफरेंस डक्टियोल कहते हैं। चलो ये आ गई कहां से, ये देखें ब्लेडर से होती हुई क्रॉस करके आ रही है यहाँ पे, ये साइड में वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। पर प्रोस्टेट देखें, प्रोस्टेट कहां पर है, जहां से ब्लेडर से यूरेथ्रा निकल रहा है वहां पे प्रोस्टेट है। ये मैंने चीजें पढ़ा ली हैं, ऐसे रिवाइज करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। फिर ये यूरेथ्रा यहां से सीधा आउटसाइड, यूरिनो जेनिटल डक्ट क्यों कहते हैं यूरेथ्रा को मेल के अंदर, क्योंकि यूरिन को भी पास करता है और स्पर्म को भी ट्रांसफर करता है। अच्छा मुझे बताएं, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा के बीच जो डक्ट होती है उसे क्या कहते हैं, जो सेमिनल वेसिकल से फ्लूड लेती है? इजेक्यूलेटरी डक्ट, इजेक्यूलेटरी, ठीक है। तो यहां पे खोल के लिखा है इसने, दिखाया है कि ये अंदर जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर उसके बाद रेटेड टेस्टिस हैं, वाज एफरेंशिया हैं, ये एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस से जो बाहर निकल रही है ये वाज डिफरेंस है, ठीक है। फिर वही वाज डिफरेंस, ये यहाँ पे वाज डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ कांटेक्ट में आ रही है, फिर इसके बाद ये जो जा रही है ये इजेक्यूलेटरी डक्ट है ये वाली। चलो ये तो वही रिवीजन हो गई भाई, ये तो वही रिवीजन हो गई, कुछ खास नहीं था यहाँ पे। ये वही चीजें हैं कि पहला पार्ट कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। स्टार्ट करें,
टेस्टिस से तो ये टेस्टिस, टेस्टिस पे ये एपिडिडाइमिस, ये बाहर वाली कवरिंग कॉल्ड स्क्रोटम, ये जो निकल रही है वॉल, ये वाज डिफरेंस, ये जो सेमिनल वेसिकल के साथ अटैच हुई, उसके बाद ये एजेक्यूलेटरी डक्ट, और ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है, ये एजेक्यूलेटरी डक्ट आई, ये ग्लैंड कौन सा है बताएं कमेंट में। ये प्रोस्टेट और ये सेमिनल वेसिकल और ये बल्बो यूरेथरल कॉपरस, एक कौन सा है, एक अनपेयर्ड कौन सा है, प्रोस्टेट एक है, एक है, ये वो ग्लैंड है, प्रोस्टेट कहाँ गया कहाँ गया, ये लिखा हुआ है, जो मैक्सिमम में मैक्सिमम पीएच को सेट करता है, यानी अल्कलाइन में अल्कलाइन, अल्कलाइन कहते हैं ना बेसिक को केमिस्ट्री में, अल्कलाइन में अल्कलाइन जो फ्लूड होता है सेमिनल फ्लूड, वो प्रोस्टेट का होता है। अगर कोई पूछे तीन ग्लैंड दे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथरल ग्लैंड, इन तीनों में से कौन सा न्यूट्रलाइज ज्यादा करता है, तो हम कहेंगे प्रोस्टेट। ऑल ऑफ देम का ऑप्शन ना हो और ज्यादा को पूछ रहा है या अकेला पूछ रहा है कौन न्यूट्रलाइज करता है, तो हम प्रोस्टेट के लिए कहेंगे। बाकी वो कोई फूड देगा, कोई क्या देगा, कोई क्या देगा, ठीक है। सक्रोज ज्यादा सेमिनल वेसिकल के फ्लूड में होता है, सक्रोज फूड, उसके अंदर सक्रोज ज्यादा होता है, फूड सक्रोज के फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो ये चीजें क्लियर हैं। फिर ये कॉपरस ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा बॉडी से यूरिन को भी और स्पर्म को भी बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। हाँ भाई, डाउट पे आ जाते हैं, ये कुछ चीजें मुझे बताएं, ये कोई मसला नहीं, ये भी सिंपल चीजें हैं, ये भी सिंपल चीजें रखी है मैंने, कि गेमेटोजिनेसिस का मतलब है मेल के अंदर, गेमेटोजिनेसिस का मतलब है स्पर्म की प्रोडक्शन, फीमेल के अंदर गेमेटोजिनेसिस का मतलब है ओवम की प्रोडक्शन, मेल के अंदर गेमेटोजिनेसिस को स्पर्मेटोजिनेसिस कहेंगे, फीमेल में ऊजेनेसिस। डिफरेंस क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस के बनने में, दोनों को कौन बना रहा है, एफएसएच और स्पर्म भी और एग भी, इन पे डिटेल डिस्कस करेंगे। स्पर्म को बनाने में भी इन दोनों का रोल है, एक को बनाने में भी इन दोनों का रोल है, पीडीएफ सेंड करूंगा क्लास के बाद। तो भाई इनको डिटेल में मैं नीचे लिखे हुए हैं कुछ डाउट्स, इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, एफएसएच और एलएच जुदा काम क्या करते हैं, इकट्ठे काम क्या करते हैं, इकट्ठे काम करेंगे तो सिनर्जेटिक फंक्शन कहेंगे, ओव्यूलेशन जो है होगी, ओव्यूलेशन वो सिनर्जेटिक फंक्शन है फीमेल में एफएसएच और एलएच का, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन मेल के अंदर सिनर्जेटिक फंक्शन है इन दोनों का। हाँ भाई, इनसेमिनेशन और इनसेमिनेशन क्या है और स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मिएशन का मतलब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना, मतलब रेटेटेस्टिस में जाना, वा डिफरेंशिया में जाना, एपिडिडाइमिस में जाना, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का प्रोड्यूस होना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पे होगी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होगी, और स्पर्मिएशन उससे निकलना स्पर्म का। चलो अगर मैं पूछूं स्पर्मिएशन में कौन रोल प्ले करेगा, आप कहेंगे सर नर्स सेल, कौन सा सेल, नर्स मतलब सर टॉली, नर्स मतलब आप कहेंगे सर ये फ्लूड प्रोड्यूस करेंगे, मीडियम प्रोवाइड करेगा स्पर्म को भागने में, वेरी गुड। हाँ तो इनसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म को इंजेक्ट करना इनटू द फीमेल, इनसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म को ट्रांसफर करना इनटू द फीमेल, और स्पर्मिएशन का मतलब है स्पर्म को रिलीज करना सेमिनिफेरस ट्यूबुल से बाहर, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्म का बनना। अच्छा आप मुझे बताएं स्पर्मियोजेनेसिस क्या है,
स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मिटिड बनी है उनका स्पर्म में कन्वर्ट हो जाना। स्पर्म को क्या, मैं स्पर्म को कहूं ये मेच्योर है, ये स्पर्मिटिड है, और ये क्या है, स्पर्म है। तो मेच्योर स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजोआ एंड मेच्योर स्पर्म, सेम है। मगर अब पूछूं इन दोनों को एक नाम दें तो क्या देंगे, सही नाम क्या देंगे, मेच्योर स्पर्म देंगे या स्पर्मेटोजोआ देंगे, एक नाम क्या देंगे, बायोलॉजिकल नाम क्या देंगे? ये तो कंडीशन है ना मेच्योरिटी पे, नाम तो ये है ना, तो आप कहेंगे स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ घूमने फिरने वाला स्पर्म, और ये उसकी कंडीशन है कि मेच्योर है। मेच्योरिटी के हवाले से ये कंडीशनल नाम है, रियल नाम ये है। पीएमसी वाले ने ये एमसीक्यूज दिया है और दोनों ऑप्शन रखे हैं, सही क्या किया है, स्पर्मेटोजोआ। हालत है भाई, इतना इतना टेक्निकल एमसीक्यूज, बड़ी बात नहीं है, मगर सोच नहीं जाती हमारी, बात बड़ी कोई नहीं है, सिंपल है, सोच नहीं जाती इधर कि क्या करें, दोनों एक ही बात है। सुने अब सुने, फर्टिलाइजेशन का पता है, फीमेल और मेल के गैमेट का फ्यूज होना। इम्प्लांटेशन का आपको पता है, आप कहेंगे सर ब्लास्टुला एज में जब यूटीरस के वाल से, कौन सी वाल से भाई, एंडोमेट्रियम से, कैसे होगी एंडोमेट्रियम, थिक होगी, कैसे होगी एंडोमेट्रियम, सॉफ्ट होगी, कैसे होगी एंडोमेट्रियम, मस्कुलर होगी, उस टाइम ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टुला एज में एम्ब्रियो का चिपकना विद एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। गेस्ट्रेशन एक लफ्ज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एक लफ्ज में गेस्ट्रेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन हुई गेस्ट्रेशन शुरू, डेवलपमेंट शुरू हुई ना भाई। अच्छा फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है मुझे बताएं, कहां पे होती है, ओविडक्ट में, ओविडक्ट के अंदर कौन से पार्ट में, प्रॉक्सिमल पार्ट में, तो भाई दो पार्ट आ गए, इन्फंडिबुलम भी आ गया और एम्प्यूला भी आ गया, है ना। मोस्टली मोस्टली एम्प्यूला में होती है, अगर दोनों ऑप्शन दे तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली एम्प्यूला में आती है। हाँ ठीक है ओके। चलो स्पर्म कैसे मूव करती है, जायगोट कैसे मूव करती है, ओविडक्ट में म्यूकोसा लेयर है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, सिलिया हैं वो चलते हैं, वो जायगोट को मूव करवाते हैं फ्रॉम एम्प्यूला टू द यूटीरस, और इस जर्नी में जायगोट ग्रो भी करता रहता है, कहां से कहां तक ग्रो करता है, ये देखें ये जायगोट, ये स्टेज कौन सी बन गई भाई, 8 से 16 सेल मोरुला, और यहां पे क्या हुआ प्रोसेस, क्लीवेज, मोरुला के बाद दो लेयर की से लेयर बन गई, हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट, ब्लास्टुला एज, फिर 3 लेयर की स्टेज बन गई गैस्ट्रुला स्टेज, तकरीबन 1 से 2 मंथ के बाद, 1 से 2 मंथ के बाद पता चलता है कि ये बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, डिटरमाइन होता है तकरीबन 2 मंथ के बाद, पहले पता नहीं होता। सिक्स वीक एग्जैक्टली सही है हमारे बुक्स के अंदर, जहां पे 2 मंथ तकरीबन, ठीक है। हाँ पार्चुरेशन का मतलब क्या है, पार्चुरेशन का मतलब क्या है, मतलब डिलीवरी,
इसके लिए पार्चुरेशन वर्ड भी यूज होता है, लेबर वर्ड भी यूज होता है, बर्थ भी वर्ड यूज होता है, लेबर, बर्थ, पार्चुरेशन। अगर टाइम से पहले बर्थ हो जाए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बर्थ कहेंगे या मिसकैरेज कहेंगे? ओके, अगर टाइम से पहले कुछ कुछ टाइम, थोड़ा टाइम पहले बर्थ हो जाए तो मुझे बताएं कौन सा सिस्टम अफेक्टेड होगा, रेस्पिरेटरी, क्योंकि वो लास्ट में सेट होता है, बर्थ के एक दो दिन पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ होता है, सही होता है। कभी कभी अगर बर्थ से प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए थोड़ा बहुत, उसे मिसकैरेज नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत पहले हो जाए, बच्चा सही हो, डेवलप्ड हुआ हुआ हो जस्ट थोड़ा टाइम पहले, तो वहां पे जो बच्चे की बर्थ होती है बर्थ कंसीडर करते हैं, और वहां पे जो बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो साफ नहीं होता, फिर डॉक्टर ट्यूब अंदर डालकर सारा वो जो पानी होता है भरा होता है वो बाहर निकालते हैं, फिर बच्चा सही रेस्पायर करता है। बच्चा भाई 7 मंथ का भी बच जाता है, 8 का भी बच जाता है, 9 का भी बच जाता है, डिपेंड करता है अगर उसने फास्ट डेवलपमेंट की है और कंप्लीट बन गया है तो 7 मंथ में पैदा होने में क्या मसला है भाई। हाँ, मौलवी से किसी ने पूछा, बच्चा मेरे घर में जमा है तो नाम क्या रखूं, तो मौलवी की बात सुनी है मैंने, उसने कहा भाई 7 मंथ में पैदा हुआ, मौलवी ने कहा हेलीकॉप्टर नाम रख ले। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि 9 मंथ का सफर 7 मंथ में किया है तो ये हेलीकॉप्टर है ना। तो भाई आपको क्या इतराज है अगर बच्चा जल्दी ग्रो कर रहा है? हाँ हाँ, अगर फुली डेवलप नहीं है तो 9 मंथ में भी इतराज है। बस बर्थ कहलाएगी। हाँ, दिन कंपलसरी नहीं है कि 9 मंथ लाजमी हो, हो सकता है हाँ मिसकैरेज। टाइम से पहले क्यों पैदा होता है, रीजन बताएं। अगर प्रेगनेंसी हो नीचे यूटेरस के नीचे सर्वेक्स के करीब, तो जो बच्चा होगा वो स्टिमुलेट करेगा सर्वेक्स को पहले ही, मेच्योर होने से पहले ही, क्योंकि सर्वेक्स के करीब है। तो प्री बर्थ तब होती है जब बच्चा, बच्चे की जो प्रेगनेंसी है वो नीचे होती है। और क्यों नीचे होती है? क्योंकि जो जर्नी थी फ्रॉम एम्प्यूला टू द यूटीरस, उस जर्नी में जायगोट ने ग्रोथ सही नहीं की। अगर ग्रोथ सही करता, जैसे यहाँ पे इंटर होता ब्लास्टुला एज में होता तो चिपक जाता। ये तो मैंने पढ़ाया था कि ब्लास्टुला एज नहीं आएगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी भाई। हाँ चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ भाई चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, चलें। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, सही है। लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर टेस्टिस की, सही है। विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, सही है। ईच टेस्टिस हैज 250 to 300 टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, सही है। बताएं ईच टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कंटेन हाउ मेनी सेमी इंफीरियस ट्यूब्यूल, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक, 3 से लेकर 4 तक। क्यों भाई, आपकी मर्जी है क्या? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, और जनरली 3 होते हैं, मोस्टली 3 होते हैं। चलो हाँ, कौन 2 सेंटीग्रेड नीचे स्पर्म बनवाता है टेस्टिस से, कौन लो टेम्परेचर कौन करता है, 37 से 35 तक कौन पहुंचाता है टेम्परेचर टेस्टिस का, स्क्रोटम, स्क्रोटम। अच्छा वेरी गुड, अभी आ जाएं। यूरेथ्रा अराइज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, पता है ये क्यों लिखी है मैंने पॉइंट, ठीक है। और ओपन टुवर्ड्स आउटसाइड का, हाँ यूरेथ्रल मीटस,
यूरेथ्रल मीटस क्या है भाई? यूरेथ्रा की ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रा की ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। जो बाहर रिलीज करेगी स्पर्म को, ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा की डक्ट है। द ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। और वेजेना की ओपनिंग को क्या कहते हैं? वुल्वा, वुल्वा, वुल्वा। ओपनिंग इज कॉल्ड एज वुल्वा, वी यू, वुल्वा। द ओपनिंग ऑफ वेजेना, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है? मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, छोड़ दें टिश्यू को, स्पंजी टिश्यू कह लें बस। कार्पोरा कार्बोनोसा और कार्पोसा स्पॉन्जियोसम, ये नाम है इनके टिश्यू के जो पेनिस के अंदर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं, जो हेल्प करते हैं स्पर्म को इरेक्ट होने में, ठीक है। इंसेमिनेशन ड्रम हमने पढ़ लिया। चलो भाई ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं है इंपॉर्टेंट, छोड़ दें। रेफी वगैरह टेस्टिस के बीच जो लेयरिंग होती है उसे रेफी कहते हैं, छोड़ दें। सेप्टम वगैरह को छोड़ दें, आउट ऑफ सेंस चीजें हमारे, पढ़ा हुआ है भाई ये भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? मेल गोनेड, असेसरी ग्लैंड, स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसर। ये क्लियर है। प्राइमरी स्पर्मेटो, चलो मैं सवाल तो पूछ लूं, ये तो क्लियर है। हाँ भाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस सेल से बना उसका नाम बताएं, राइट इन द चैट बॉक्स। स्पर्मेटोगोनिया से बना, ठीक है। प्रोसेस का नाम बताएं, माइटोसिस से बना, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? 2N है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी डिवीजन में जाएगा? मियोसिस में जाएगा, तो कौन से सेल प्रोड्यूस करेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होंगे भाई? एप्लॉइड या डिप्लॉइड? हेप्लॉइड, मगर डीएनए कितना होगा भाई? डबल। अगर यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 23। मगर एक क्रोमोसोम ऐसा होगा या क्रोमोसोम ऐसा होगा? 1 or 2, सिलेक्ट एनी वन। ऐसा होगा क्योंकि क्योंकि कितने क्रोमोसोम हैं? 46। एक पेयर ऐसा होगा, एक क्रोमोसोम इसमें आया दूसरा उसमें गया, तभी तो 23 क्रोमोसोम बचे हैं। अब होगी मियोसिस 2, जहां पे एक सेल से बनेंगे 2 और दूसरे से भी बनेंगे 2, 4 बन गए। अब यहां से डिवीजन होगी, 4 क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड आर नॉट? यस। हाँ, ये इस सेल को क्या कहेंगे जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड से बना है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो बना है वो स्पर्मेटिड। कितना नंबर होगा? एक सेल से 4, प्राइमरी से 2 सेकेंडरी, 2 सेकेंडरी से 4 स्पर्मेटिड। 4 स्पर्मेटिड, इमेच्योर स्पर्म या मेच्योर स्पर्म? इमेच्योर। मूविंग या इमूवेबल? इमूविंग, इमूवेबल। धक्के पे चलेगा, कौन धक्का देगा सर टोली? चलो हाँ भाई, ये बात समझ आ गई कि क्रोमोसोम का बैलेंस कैसे होता है। ये थोड़ा व्यू दिखा हुआ है आपके सामने, ये देख लें, ये सेल है टेस्टिस के अंदर। इन सेल को नाम क्या दिया है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। चलो किससे बने हैं? ये स्पर्मेटोगोनियम, इनसे बने हैं ये, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिवाइड करती सेल प्रोड्यूस करती जाएगी, करती जाएगी। कौन से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये सेल सर्टोली, ये सर्टोली, सर्टोली सेल। इन दोनों में से कौन सा स्पर्म प्रोड्यूस करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और सर्टोली का रोल पढ़ेंगे कि क्या है, कौन सा हार्मोन यहाँ पे काम करेगा सर्टोली पर? हाँ भाई, नाम बताएं। FSH,
एफएसए जाएगा ना भाई, इनको ग्रो करवाएगा, ये बड़े होंगे और फ्लूड प्रोड्यूस करेंगे। एफएसएच एलएच कहां पे जाएगा? टेस्टिस के, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, लैडिक सेल पर। आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लैडिक सेल पर जाएगा, वहां पे क्या कराएगा? आगे पढ़ते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा, वो क्या करवाएगा? स्पर्म को प्रोड्यूस करवाएगा। चलते हैं भाई आगे, लेट्स मूव ऑन। ये क्या है? ये स्पर्म है, स्पर्मिटेड है, स्पर्म है, टेल लगा हुआ है। टेल ना हो तो स्पर्मिटेड कहेंगे, स्पर्मेटोजुआ है। चलो सर, ये आ गए स्पर्म की स्ट्रक्चर। सिलेबस में तो नहीं है वैसे, मैंने थोड़ी पढ़ा भी ली है, फिर सुन लें। ये रीजन जो है ये कहलाता है हेड, और ये रीजन कहलाता है टेल। टेल और हेड के बीच एक नेक है। टेल के अंदर पहला पार्ट है मिड पीस, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया हैं बहुत सारे, ठीक है, एनर्जी के लिए, मूव करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। और टेल जो है वो फ्लेजिलरी मूवमेंट शो करता है, फ्लेजिला जैसा है, ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस हेड के अंदर? न्यूक्लियस क्या कंटेन कर रहा है? क्रोमोसोम। बड़ा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है ही नहीं, रिड्यूस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन इकट्ठे है। और ये उभार उभार देखें, ये ऊपर ऊपर यहाँ पे एक ऑर्गेनेल है, एक ऑर्गेनेल है जिसको हम कहते हैं, सारे पार्ट को एग्रोसोम कहते हैं, उभरी हुए स्ट्रक्चर को एग्रोसोम कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर हिस्सा है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। टेल पर भी है ना, ऐसा तो नहीं कि टेल पर नहीं है, हेड पर भी है। इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, उसमें ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल कौन सा है? लाइसोसोम है, या कह लें गोल्जी बॉडी है छोटी, जिसको कहते हैं बिग लाइसोसोम। और ये एंजाइम कंटेन करेगी जो यहां से रिलीज होगा और एग की मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, तोड़ेगा। आएंगे एंजाइम पर, आएंगे स्पर्मिएशन। क्या पढ़ा था? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल पढ़ाया था मैंने शायद स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में। चलें भाई, ये कैपेसिएशन फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनहेंसेस स्पर्म फंक्शन। कैपेसिएशन क्या है? कैपेसिएशन कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी कैपेसिटीज जो स्पर्म के आने को, फर्टिलाइज के होने को, उसके एनवायरनमेंट को सही बनाएं। कितना फीमेल सपोर्ट करती है कि स्पर्म आए, फर्टिलाइज हो जाए, वहां पे मीडियम कैसा है, कंडीशंस कैसी हैं, फीमेल के अंदर जो हालात हैं उसे हम कैपेसिएशन कहते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। A capacitated sperm migrate through the layer follicle cell before the reaches to the zona pellucida. ये क्या है zona pellucida? सुने पढ़ाऊंगा zona pellucida क्या है, समझाता हूँ, पढ़ें। Human male, ये रटे लगाएं भाई, MCQs में आते हैं, ये रटे लगाएं। जो male reproduce करता है 200 से 300 million स्पर्म रिलीज करता है एट द टाइम ऑफ मेटिंग, एट द टाइम ऑफ सेक्स। एक दिन में 24 घंटे में 400 मिलियन प्रोड्यूस हो सकते हैं, 400 मिलियन एक टाइम में। मेल से फीमेल के अंदर स्पर्म जाती कितनी है? वो 200 से 300 मिलियन, ठीक है। 60% जो स्पर्म है वो नॉर्मल होने चाहिए शेप में, स्ट्रक्चर में, सर शय में, तो चांसेस हैं फर्टिलिटी के। अगर मेल में जो स्पर्म बन रहे हैं 40 से कम है तो
चांसेस नहीं है कि स्पर्म एग तक पहुंच सकें। क्यों? रीजन बताएं। आप कहेंगे सर स्पर्म को यूरेथ्रा क्रॉस करना है जो कैसिडिक है, वेजेना क्रॉस करना है जो कैसिडिक है, सर्वेक्स क्रॉस करना है जो कैसिडिक है, यूटेरस क्रॉस करना है जो कैसिडिक है। तो भाई इन एसिडिक मीडियम से जाएंगी जब स्पर्म तो उनकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए तो मेल के ग्लैंड उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं बाय द सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म को बचा रहे हैं। अगर स्पर्म पहले से ही टूटे फूटे पैदा हो तो स्पर्म तो नहीं पहुंच सकेंगे। जितने कम से कम 40% होने चाहिए सही, 40% स्पर्म सही होंगे तो ये थोड़े थोड़े चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के। अगर 60% हैं तो ये मैक्सिमम है, सफिशियंट है बिल्कुल। 40 से ज्यादा है तो वो बाप बन सकता है, ठीक है, फर्टिलाइज उसके गैमेट कर सकते हैं फीमेल गैमेट से। 40 से कम है तो प्रोबेबिलिटी खत्म, तो चांस नहीं है। तो 40 से कम मतलब स्पर्म की प्रोडक्शन क्यों सही नहीं होगी? भाई आप कहेंगे सर ये सारा काम सेमिनिफेरस ट्यूबुल की कैपेसिटी पे है कि मेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है स्पर्म को सही सही प्रोड्यूस करने की। जब सारे सिस्टम सही चलेंगे तो सारे स्पर्म सही डेवलप होंगे। अगर ये FSH, LH वगैरह ये हार्मोन सही नहीं होंगे तो स्पर्म की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सही नंबर उसका मेंटेन नहीं होगा। चलो भाई पता है जो सिक्रेशन होती है एपिडिडाइमिस की, म्यूकस वगैरह, वास डिफरेंस की, सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, ये सारा मैच्यूरेशन के लिए, मोटिलिटी के लिए, ये सारे फंक्शन पता है कौन कंट्रोल करता है? ये सारे फंक्शन मेंटेन बाय द एंड्रोजन। हाँ भाई एंड्रोजन क्या है? आप कहेंगे सर टेस्टोस्टेरोन को कह रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन को कह रहे हैं। तो इन सब को कंट्रोल करना इज अ फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। कोई एज लिमिट नहीं है मेल की फर्टिलिटी की। पढ़ाया था मैंने ये एज लिमिट वाला कॉन्सेप्ट कि मेल पूरी लाइफ फर्टाइल होता है, स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है पर फीमेल नहीं। हाँ भाई ये देखें, ये देखें, ये लोकेशन है यूटेरस की, ये यूटेरस है ये वाला, ये है ना, हाँ ये किसके पीछे है? ब्लैडर के पीछे। किसके आगे है? रेक्टम, रेक्टम एनल ओपनिंग, और ये वेजेनल ओपनिंग। ये देखें ब्लैडर उसके साथ साथ ओपन हो रहा है। ये यहां पे बच्चे की डेवलपमेंट होती है। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, प्रेगनेंसी का टाइम है, प्रेगनेंसी के टाइम में रिब्स और डायाफ्राम कौन ज्यादा सपोर्ट करेगा ब्रीदिंग को? राइट इन द चैट बॉक्स। क्यों भाई रीजन बताएं? ये जब बच्चा बढ़ेगा ना मोस्ट ऑफ द जगह पेट की अक्यूपाई करेगा तो डायफ्राम कहेगा भाई मैं नीचे कैसे आऊं, बच्चा आ गया है बाकी ऑर्गन भी हैं। तो डायफ्राम जवाब देगा भाई मुझे इजाजत नहीं है अभी। रिब्स को कहेगा आप ओवर फंक्शन करें, प्रेगनेंसी के टाइम रिब्स ओवर फंक्शन करती हैं बेचारी। चलो भाई बाकी ये देखें, ये जो ओपनिंग है यहां पे, इस ओपनिंग को सारे जैसे हम माउथ के लिए कहते हैं, माउथ के अंदर क्या है? ये लिप्स हैं, ये लिप्स हैं दो, और ओपनिंग क्या है? माउथ। तो ऐसे यहां पे भी एनस के लिए भी एनल वाल हैं, दो दो वाल हैं, आउटर स्पिंक्टर और इनर स्पिंक्टर, पता है ना आउटर और इनर का पढ़ाया था मैंने डाइजेशन में। यहां पे भी वाल्स हैं, वाल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, बाहर वाली लेबिया मेजोरा, अंदर वाली लेबिया माइनोरा।
वाल हैं, ये फैटी टिश्यू की वाल्स हैं, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो कि जाहिरी तौर पी शेप स्ट्रक्चर की होती है, मटर जितनी होती नहीं होती है, पॉइंटेड होती है थोड़ी, और वो जो स्ट्रक्चर होती है ये ऐसे जाहिर इतनी होती है, ठीक है, इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस, और ये सेक्सुअल अराउजल के लिए होती है, सेक्सुअल फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। वैसे ये थोड़ी वेस्टिज है, वेस्टिजल ऑर्गन में नहीं है, मतलब कम है, मैं कह रहा हूं वेस्टिजल नहीं है भाई। ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग को क्या कहा हमने, वुल्वा, वुल्वा, VULVA, और ओपनिंग के साइड्स को हमने क्या कहा, लेबिया माइनोरा लेयर, लेबिया मेजोरा लेयर, अंदर वाली फैटी टिश्यू लेबिया माइनोरा, बाहर वाली लेबिया मेजोरा, जो वेजिनल ओपनिंग के बाहर टिश्यू है, फैटी फैटी जो मास है, जैसे माउथ के ऊपर लिप्स हैं, जैसे एनस के ऊपर वाल हैं, ऐसे वेजिनल ओपनिंग के ऊपर भी दो वाल हैं, उनको हम लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा कहते हैं, ठीक है। और स्पेशल वेजिनल ओपनिंग को वेजिनल ओरिफिस भी कहते हैं, वेजिनल ओरिफिस। फिर वुल्वा और ओरिफिस में फर्क क्या है, ओरिफिस और वुल्वा में फर्क क्या है, वुल्वा जैसे मैं कह रहा हूं ओपनिंग और लिप्स को मिला के वुल्वा कहूंगा, सपोज करें, यानी मेजोरा माइनोरा सारी चीजें ओरिफिस को मिला के हम कहते हैं वुल्वा, और ओरिफिस खाली पोर, खाली पोर इज कॉल्ड ओरिफिस, और पोर और उसकी वाल दीवारें सारी चीजें वुल्वा। यूवोला नहीं है, ये वुल्वा है। सवाल काफी बच्चों के आए थे, उन पे हम आते हैं, ये थोड़ी चीजें स्टडी कर लें, ये क्या है, बस ये क्लियर है, ये क्लियर है। ओवरी यहाँ पे कैसे खड़ी है, लटकी हुई लिगामेंट से, लिगामेंट किससे कनेक्ट है, पेराइट बॉडी के वाल से कनेक्टेड है, बॉडी के वाल से कनेक्टेड है, और यूटेरस से लिगामेंट कनेक्ट करके खड़ी हुई है ओवरी को, ऐसे नहीं चिपकी हुई। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम का पता है, सर्वेक्स का पता है, सर्वाइकल कैनाल का पता है, वेजिनल ओपनिंग का पता है, ठीक है, आपको स्टमस वगैरह क्लियर है, एंप्यूला क्लियर है, इनफंडिबुलम सारी चीजें क्लियर है, यहाँ पे कोई चीज इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं, आसान चीज है। हाँ भाई आ जाए यहाँ पर, कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लें। ओवरीज प्रोड्यूस सेवरल स्टीरॉइड हार्मोन कॉल्ड ओवरिन हार्मोन, ये पता चला कि ओवरिन हार्मोन कौन से हार्मोन है, स्टीरॉइड हार्मोन है, खोपड़ी खोल के बैठना, स्टीरॉइड हार्मोन है। द फीमेल असेसरी डक्स कौन से हैं भाई, फीमेल असेसरी डक्स, हाँ असेसरी डक्स, ओवरी के बाद जो सारे डक्स है ना, असेसरी डक्स हैं, वेजेना, सर्वेक्स, ओविडक्ट, असेसरी डक्ट हैं, ठीक है, ओविडक्ट से स्टार्ट होता है। ये बताएं मुझे, ये है क्या इन्फंडिबुलम, ये एम्प्यूला, ये स्थमस, ये ओवरी है, ये देखें लिगामेंट से कनेक्टेड है, यूटीरस से, लिगामेंट बॉडी से ही कनेक्ट करती है, फेम्ब्री का पता है आपको, ये देख लें यहाँ पे मैंने डिटेल में थोड़ी बात की है। द एक्सटर्नल जेनिटलिया इन फीमेल, मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ा था, कौन सा मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन था, स्क्रोटम था और पेनिस था, दो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, टेस्टिस एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं है भाई, याद रखना। और फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, पॉन्स प्यूबिस, इट इज अ कशन ऑफ थिक फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन
एंड प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस किसे कहेंगे? जो लेबिया माइनोरा और मेजर मेजोरा के ऊपर फेट है, फेट कवर्ड बाय स्किन और स्किन के ऊपर हेयर, हेयर कॉल्ड एज प्यूबिस हेयर। सबको मिला के हम कहते हैं मॉन प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? ये वेजिनल ओपनिंग ओरिफिस है, उसके बाहर एक अंदर वाली लेयर है लेबिया माइनोरा, बाहर वाली ओपनिंग है कवरिंग है लेबिया मेजोरा, मेजोरा के ऊपर जो फेट है उसे, और फेट के ऊपर जो ये क्या है ग्रीन वाली फेट, ये वाली मेजोरा, ये वाली माइनोरा और ये ओपनिंग ओरिफिस, इनके ऊपर जो स्किन है ये प्यूबिक स्किन और इसके अंदर ऊपर जो हेयर है ये प्यूबिक हेयर। फेट, प्यूबिक स्किन और प्यूबिक हेयर को मिला के हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। द लेबिया मेजोरा फ्लेशी फोल्ड टिश्यू सराउंड्स द वेजिनल ओपनिंग, ठीक है। द एक्सटर्नल जेनिटलिया इन फीमेल, मॉन्स प्यूबिस सही है, बाहर है दिखाई देता है एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसको कहते हैं जिसको फिजिकल अपियरेंस हो जैसे मेल में स्क्रोटम और पेनिस। और लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच सराउंड द, सही है। और लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड, दोनों पेयर्ड हैं, ठीक है, अंडर द। और हाइमेन क्या है भाई? हाइमेन इज अ मेम्ब्रेन विच पार्शली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजिना। वेजिना की जो ओपनिंग को कवर करती है वो लेयर कहलाती है हाइमेन। हाइमेन होती है जो वेजिनल ओपनिंग को कवर करती है ऑलमोस्ट, थोड़ी जगह पे नहीं होती जहां से यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन वगैरह के लिए या 100% वेजिनल ओपनिंग कवर नहीं होती, वैसे हाइमेन होती है। तो हाइमेन एक टिश्यू है थिन जो कवर करती है वेजिनल ओपनिंग को। कब तक होती है? ये होती है मेटिंग तक, जब तक मेटिंग ना हो जाए। मेटिंग मतलब इंटरकोर्स। इंटरकोर्स करने से हाइमेन जो है वो टूट जाती है और हाइमेन के टूटने से ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग होती है। जब फर्स्ट मेटिंग होगी, फर्स्ट इंटरकोर्स होगा तो हाइमेन टूट जाएगी, जिसके वजह से फीमेल के अंदर फर्स्ट मेटिंग से, फर्स्ट इंटरकोर्स से ब्लीडिंग होती है, ठीक। हाँ भाई आगे चलें। ये क्या हो गए? एक्सटर्नल जेनिटलिया में आ गए आपके ये पार्ट्स। चलो ये भाई लॉजिकल टॉपिक आ गया आपका, बड़ा मजेदार टॉपिक आ गया आपका। हाँ केम बायो के बाद होगी। टाइम क्या हुआ है अभी? एक घंटा तो होने दें, एक घंटा तो होने दें। टर्शरी फॉलिकल जो हैं वो चेंज होंगी ग्राफेन फॉलिकल में, सही है, जिनको हम मैच्योर फॉलिकल कहेंगे, सही है। द सेकेंडरी ऊसाइट फ्रॉम द न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। मतलब जोना पेल्यूसिडा क्या है? जो सेकेंडरी ऊसाइट होगा उसके बाहर एक कवरिंग बनेगी, फॉर्म करेगा एक कवरिंग, जिसे हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। सेकेंडरी ऊसाइट की बाहर वाली कवरिंग जोना पेल्यूसिडा। और मुझे बताएं ये ब्लास्टुला एज है, ब्लास्टुला में बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे? नाम बताएं, बताया था मैंने शायद ट्रोफोब्लास्ट सेल होंगे इसमें। वैसे ये एपिब्लास्ट है, ये हाइपोब्लास्ट है। एपिब्लास्ट में जो सेल्स होते हैं बाहर वाले उन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो क्या करेंगे? ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम में जाकर वहां पे ग्रोथ करेंगे, ऐसे फिंगर टाइप ग्रो करके जाएंगे। ट्रोफोब्लास्ट अंदर जाएंगे और एंडोमेट्रियम यहाँ पे ग्रो करके आएगी, आपस में मिल जाएंगे, मतलब प्लेसेंटा बनाएंगे ट्रोफोब्लास्ट। जोना पेल्यूसिडा बाहर वाली लेयर है, सेकेंडरी ऊसाइट हैप्लॉइड सेल है। हाँ भाई पता है आपको भी मुझे भी, ये मियोसिस वन के, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस वन, पता है ये भी आपको। मियोसिस टू विल टेक प्लेस व्हेन स्पर्म एंटर इनटू द सेकेंडरी ऊसाइट, ये मैंने पढ़ाया है रिवीजन करवाने के लिए, मैंने फिर रिपीट किया इसको।
कैसे अरेस्ट होता है, सेल कब अरेस्ट होता है, मैंने डिटेल में पढ़ाया है ये चीजें सारी आपको, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइड, जब बच्ची की डेवलपमेंट होती है तो ओवरीज बन जाती हैं, फॉलिकल भी बन जाते हैं, हर मंथ में फॉलिकल खाली यूज होते रहते हैं बस। ये भाई स्ट्रक्चर मुझे बताएं किस चीज की है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल एफएसएस ज्यादा है कम होता जाता है, क्यों? हु इनहेबिट, कौन इनहेबिट करता है एफएसएच को? इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा एफएसएच कम होता जाएगा। बताएं लो लेवल इस्ट्रोजन की, लो लेवल किसको इनहेबिट करेगी? एलएच को। भूल गए भाई, भूल गए आप, लो लेवल इस्ट्रोजन की शुरुआत में लो है ना, मतलब एलएच पैदा नहीं होगा। देखिए एलएच ज्यादा नहीं है, कम है, और जब इस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा फिर इनहेबिट करता जाएगा एफएसएच को। मतलब एफएसएच, जैसे इस्ट्रोजन बढ़ेगा एफएसएच कम होगा। अच्छा मुझे बताएं क्या मैं कह सकता हूं इस्ट्रोजन एलएच को साथ साथ लेके जाएगा? इस्ट्रोजन कम तो एलएच भी कम, इस्ट्रोजन बढ़ेगा तो एलएच भी जंप मारेगा, यानी हाई लेवल ऑफ इस्ट्रोजन अफेक्ट ऑन द एफएसएच, कौन सा कंट्रोल? नेगेटिव फीडबैक। और हाई लेवल ऑफ इस्ट्रोजन एलएच पर कौन सा कंट्रोल? मैं भी ज्यादा हूं तू भी आ, ठीक है। हाँ भाई ये सर्ज दोनों का क्यों है? दोनों मिलकर ओव्यूलेशन करवाते हैं, मेन काम किसका है? एलएच का ओव्यूलेशन में, मगर एफएसएच का भी काम है। मेनली ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय एलएच, मगर ये सिनर्जेटिक फंक्शन है ओव्यूलेशन एलएच और एफएसएच के साथ का। सिनर्जेटिक फंक्शन दोनों का अगर पूछे तो आप कहेंगे ओव्यूलेशन इज अ सिनर्जेटिक फंक्शन, अगर पूछे ओव्यूलेशन किसका काम है तो वो आप एलएच कहेंगे बस। अगर सिनर्जेटिक चीज पूछे, अगर मेल में सिनर्जेटिक इन दोनों का काम पूछे तो आप कहेंगे स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। चलो आगे आते हैं। हाँ भाई मुझे बताएं वो कौन से दिन होंगे, वो कौन से 2, 3, 4, 5, 6 से 7 दिन होंगे जब एंडोमेट्रियम थिन होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 6 दिन, बीच वाले 6 दिन, आखिरी 6 दिन, मेंस्ट्रुएशन वाले भाई, पहले 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, जरूरी है मैं 5 दिन कह लूं फिक्स, इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो एग्जामिनर आप पूछे, आपसे पूछे 6 दिन, आप कहेंगे 6 दिन मेंस्ट्रुएशन होती नहीं, होती है भाई, 7 दिन भी हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। अच्छा इन 6 दिनों के अलावा सबसे ज्यादा एंडोमेट्रियम थिक कब होगी, ओव्यूलेशन से पहले या बाद? बाद, इमीडिएट, इमीडिएट मेंस्ट्रुएशन कब होगी, कौन सा हार्मोन इमीडिएट मेंस्ट्रुएशन करवाएगा? नंबर वन इस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टिरोन, जीएनआरएच। हाँ भाई कौन सा? प्रोजेस्टिरोन गया, एंडोमेट्रियम से भी 8 उठा ले वो भी गई, क्यों एलएच कह रहे हैं, क्यों एफएसएच कह रहे हैं? ओव्यूलेशन के बाद वो होते हैं, ओव्यूलेशन के बाद वो होते हैं एलएच और एफएसएच आपके, नहीं ना? क्यों नहीं होते सर, क्यों नहीं होते? पता है जीएनआरएच को, जीएनआरएच को कौन इनहेबिट करता है, जीएनआरएच को कौन इनहेबिट करता है? मैंने इनहेबिन भी पढ़ाया था, आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा कोई इनहेबिन के अलावा कोई पूछे तो आप कहेंगे इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन, इस्ट्रोजन होगा
क्या इस्ट्रोजन को एलएच सेंस कर रहा था या एफएसएच? इस्ट्रोजन को तो सेंस ब्रेन करेगा ना, ब्रेन इस्ट्रोजन को सेंस करके एसएच एफएसएच और एलएच भेजता है ब्रेन। जब इस्ट्रोजन नहीं होगा, इस्ट्रोजन नहीं होगा, अच्छा ओव्यूलेशन के बाद इस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्पस ल्यूटम। तो इस्ट्रोजन का ना होना, ना होना ये क्या है, क्या करवाएगा? इस्ट्रोजन का ना होना इस्ट्रोजन का होना जीएनआरएच पे इफेक्ट करेगा और ना होना उस पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो जीएनआरएच आएगा कब? जब इस्ट्रोजन खत्म हो जाएगा, यानी जैसे मेंस्ट्रुएशन होगी तो जीएनआरएच आएगा, एफएसएच और एलएच फिर आएंगे। भाई सुने, ये क्या है, ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में चार स्पर्म बनते हैं, ओजेनेसिस में एक ओवम बनता है। बड़ा फर्क है ये। क्रोमोसोम नंबर स्पर्म में भी हाफ, एग में भी हाफ। स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, उसमें फर्स्ट मियोसिस होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, सेकंड मियोसिस होती है, स्पर्मेटिड बनते हैं, डिफरेंशिएशन होती है यानी स्पर्मियोजेनेसिस, फिर स्पर्मेटोजोआ यानी मेच्योर स्पर्म बनते हैं। पढ़ाया था ये, तीन बनेगी, ये भी डिवाइड करेगी ना। हाँ भाई, ऊगोनिया, ऊगोनिया, ऊगोनिया कब डिवाइड होगी भाई बताएं? बच्चा पैदा होने के बाद या पहले? पहले, मतलब फॉलिकल पहले बनी होंगी, वो फॉलिकल छोटी होंगी, उसमें एक होगा ऊसाइट, इमेच्योर। ऊगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करेंगी, प्राइमरी ऊसाइट बनाएंगी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, कंप्लीट होगी प्रायर टू द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले कंप्लीट होगी। ठीक है, तो कौन ओव्यूलेशन में कौन बाहर आता है, ओवम या सेकेंडरी ऊसाइट? ओवम मतलब मैच्योर एग, सेकेंडरी मतलब इमैच्योर एग, निकलने के लिए मैच्योर है, फर्टिलाइज करने के लिए मैच्योर है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के टाइम ओव्यूलेशन होती है, फिर जैसे स्पर्म टच होता है, फिर सेकेंडरी ओसाइट डिवाइड करके एक ओवम बनाता है, एक पोलर बॉडी बनती है, यानी जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन एक मैच्योर हो जाता है। सेकेंडरी ओसाइट के टाइम पे ओव्यूलेशन होती है, सेकेंडरी ओसाइट जब ओव्यूलेट करता है, फिर वो मियोटिक डिवीजन टू कंप्लीट नहीं करता जब तक स्पर्म ना आए। ठीक है, अब दो जनरेटर लाइट वे शायद। हाँ भाई, तो तीन पोलर बॉडी बनेगी, ये देखें, बर्थ, चाइल्डहुड, बर्थ से पहले ये फीचर्स हैं, फॉलिकल्स बनी हुई हैं, फिटल लाइफ में, डेवलपमेंटल लाइफ में मियोसिस वन हुई हुई है। ठीक है, और मियोसिस टू फॉलिकल बच्चा पैदा होने के बाद होगी ओव्यूलेशन से पहले, और सेकेंडरी ओसाइट अपनी वो डिवीजन कंप्लीट करेगा ओव्यूलेशन के बाद। सही है ना? चलो ये चीजें क्लियर थी भाई, पढ़ाई हुई थी। अब आ जाए कुछ डाउट्स ये हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर वो डाउट जो अभी अभी आए हैं वो क्लियर करते हैं। बस ये पहले आए थे तो मैंने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पता है भाई,
पॉपुलेशन को कोइटस भी कहते हैं, पॉपुलेशन मतलब मेटिंग, सेक्स करना। सीमेन इज रिलीज बाय द पेनस इनटू द वेजिना, इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। फीमेल इज रिलीज बाय पेनस टू द वेजिना, इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स कॉन्टेक्ट टू द जोना पेल्यूसिडा, सेकेंडरी ओसाइट की बाहर वाली लेयर से स्पर्म कांटेक्ट में आएगा, जोना पेल्यूसिडा ऑफ ओवम, इंड्यूस करेगी सम चेंजेस मेम्ब्रेन, सो दिस मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री टू द स्पर्म। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा अगर ना हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा कुछ चेंजेस करती है जब तभी स्पर्म अंदर आ सकता है। द सिक्रेशन एक्रोसोम हेल्प इन द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, जोना पेल्यूसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ठीक है, एंट्री ऑफ स्पर्म आल्सो इंड्यूस कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टू। हाँ, मियोसिस टू मतलब सेकेंडरी ओसाइट ओवम में कन्वर्ट होगा, विद इन द रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ओटिड, ओटिड भी कहते हैं ओवम को, या ओवम कह लें या एग कह लें, ओटिड कह लें। ठीक है, सेंड सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, द हैप्लॉइड स्पर्म फ्यूज विद द हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म जायगोट डिप्लॉइड होगा। ठीक है, क्लीवेज का पता है आपको। अब क्या रह गया है, ये भी है क्या? हाँ, घंटो चयो घंटो थियो छा, हलो 5 मिंट बुधो, 5 मिंट, 5 मिंट बुधो बस। ब्लास्टोसिस्ट क्या है भाई, ब्लास्टोमेयर क्या है? ब्लास्टोमेयर ब्लास्टुला के सेल को कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट पूरी बॉडी को कहते हैं, ब्लास्टुला को। टू लेयर्स में होते हैं, हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट उसकी बाहर वाली लेयर को कहते हैं, पढ़ाया मैंने, जो एंडोमेट्रियम से अटैच होगी, इम्प्लांटेशन में रोल प्ले करेगी। द इनर ब्लास्टोमेयर फॉर्म्स द इनर, जो ब्लास्टोमेयर होगी उसे इनर मास सेल कहेंगे, ये डिफरेंशिएटेड होकर एम्ब्रियो बनेगा। यानी ये जो ब्लास्टुला है उसके दो लेयर हैं, ये इम्प्लांटेशन में रोल प्लेगा करेगा, ये बच्चा पैदा करेगा। बच्चे वाली इंफॉर्मेशन इसमें है, इसमें इम्प्लांटेशन करने वाली है, जिससे क्या होगा, ब्रांचेस निकलेंगी, धागे निकलेंगे, जो एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, इसके अंदर जाएंगे, एंडोमेट्रियम से ग्रो करके उसके अंदर जाएंगे। तो एंडोमेट्रियम के कुछ सेल फिम्ब्री टाइप, फिंगर टाइप, और ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल फिंगर टाइप, फिम्ब्री टाइप, आपस में आपको मिलकर ये प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा ऐसे बनता है, प्लेसेंटा बनाने में किसका रोल है, ट्रोफोब्लास्ट का। इम्प्लांटेशन में किसका रोल है, ट्रोफोब्लास्ट का। जो इनर लेयर है उसको इनर मास सेल कहते हैं, ये बच्चा पैदा करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरस वॉल डिवाइड रैपिडली ओवर द ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट दिस इम्प्लांटेशन। सही है, बस क्लियर है, इम्प्लांटेशन लीड्स टू द प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद आप प्रेगनेंसी का नाम देंगे, पहले क्या था, फर्टिलाइजेशन से पीरियड को क्या कहेंगे, गेस्ट्रेशन, गेस्ट्रेशन। इम्प्लांटेशन के बाद गेस्ट्रेशन को प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, और गेस्ट्रेशन भी चल रही है जी। हाँ, क्रोनिक विला है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आउटर ट्रोफोब्लास्ट, मैंने कहा ना फिंगर टाइप स्ट्रक्चर निकलेंगे, जिसे हम क्रोनिक विला कहेंगे। कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड। यूटेराइन टिश्यू एंड कोरोनिक विलाय आर इंटर डिजिटेड फिंगर टाइप, ऐसे अंदर होके क्या बनाएंगी, प्लेसेंटा बनाएंगी। वही बात कह ली जो मैंने बताई थी, अम्बिलिकल कॉर्ड कम्स आउट द प्लेसेंटा टू एम्ब्रियो। प्लेसेंटा क्या होता है, जो कनेक्शन बनता है, फिर उससे एक रॉड निकलती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। एक जो धागा कनेक्शन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो बहुत सारे धागे हैं जो एंडोमेट्रियम से कनेक्ट हैं वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा नेटवर्क है, अम्बिलिकल कॉर्ड उनमें से एक निकल रही है। बताएं अम्बिलिकल कॉर्ड किससे निकलती है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा इज ऑल्सो एन एंडोक्राइन टिश्यू विच प्रोड्यूस बहुत सारे हार्मोन, मगर आप एक याद कर लें, प्रोजेस्टेरोन, बाकी को छोड़ लें, एचपीएल को छोड़ लें, एचसीजी को छोड़ लें। एचसीजी जो हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये प्रेगनेंसी को शो करता है कि प्रेगनेंसी है। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, लैक्टोजन को प्रोमोट करेगा, लैक्टोजन। ये एचपीएल क्या करेगा, लैक्टोजन बनवाएगा, ये लैक्टोजन। और एलटीएल क्या है, एलटीएल, एलटीएच, सॉरी एलटीएच, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन किसको कहते हैं,
एलएच और प्रोलेक्टिन को मिला के, एलएच और प्रोलेक्टिन को मिला के हम कहते हैं एलटीएच, ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन। ये लेक्टोजिनेशन करवाते हैं, लेक्टेशन करवाते हैं, मिल्क बनवाते हैं। प्रोलेक्टिन और एलएच को मिला के एलटीएच कहते हैं, एलटीएच ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, मतलब लेक्टेशन करवाते हैं। इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पैदा करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो सीक्रेट रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिलैक्सिन एचपीएल सीक्रेटेड प्रेगनेंसी के दौरान, प्लेसेंट आता भी होगा ना भाई, और भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हमें याद करने ही नहीं है, हमें ये याद करने हैं भाई बस। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, नहीं कॉर्टिसोन, नहीं प्रोलैक्टिन, नहीं थायरोक्सिन। अच्छा ये बात सुने, सेवरल अदर हार्मोन लाइक इस्ट्रोजन, इससे भी पैदा होता है, प्रोजेस्टेरोन इससे, ये इससे नहीं होता, ये बाकी बॉडी के हैं जो इंक्रीज करेंगे, सपोर्ट करेंगे किसको, बच्चे को, उसकी ग्रोथ को, फेटल ग्रोथ को और प्रेगनेंसी को। छोड़ दें ये याद नहीं करने, ये लाइन काट लें आप भले। जर्माइनल लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर, टू लेयर होंगी, इनर सेल मास और आउटर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म, ये पता है, दीज आर द लेयर्स अराइज फ्रॉम द इनसे ऑर्गन, ये भी पता है, हमें पढ़ाया हुआ है मैंने। स्टेम सेल द सेल फ्रॉम द इनर मास कैपेबिलिटी टू गिव राइज द ऑल टिश्यू, हाँ स्टेम सेल कौन से होंगे, ट्रोफोब्लास्ट आउटर सेल या इनर मास सेल, इनर मास सेल होंगे ना, वो तो प्लेसेंटा बनाएंगे ना, स्टेम सेल जो सारे ऑर्गन बनाए। गेस्टेशन पीरियड भाई बताया है मैंने, ठीक है। हार्ट डेवलप होगी इन वन मंथ ओल्ड एम्ब्रियो, 19वें दिन से स्टार्ट होती है भाई। अब सुने, बहुत सारे और डाउट हैं जो आपने पूछे हैं, मैं टाइप नहीं करवा सका, यहाँ पे नोट किए हैं मैंने पेज पे, तो सुने भाई। स्पर्म से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, स्पर्म से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है जो फर्टिलाइजेशन करवाता है, जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है, एक्रोसोम मतलब लाइसोसोम, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उसे कहते हैं। सर राजेश आयो, हेलो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं उस एंजाइम को, हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। और दूसरा सवाल है स्पर्म 400 मिलियन, मैंने ये बता दिया, ठीक है। मुझे बताएं ये एंजाइम कहां से रिलीज होगा, स्पर्म से कौन से हिस्से से, हेड से या टेल से, हेड से कौन से पार्ट से, न्यूक्लियस से या एक्रोसोम से, एक्रोसोम में क्या है, सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा या लाइसोसोम से निकलेगा, लाइसोसोम से निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के आएगा, एक की मेम्ब्रेन को तोड़ेगा तो स्पर्म अंदर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी। चलो ऑर्गेनेल कौन सा हेल्प करता है भाई फर्टिलाइजेशन में, बताएं, सवाल था आपका, कौन सा ऑर्गेनेल फर्टिलाइजेशन में काम करता है, यही तो बात है, वही एक्रोसोम कह लेना, लाइसोसोम कह लेना, बिग गोल्जी बॉडी कह लेना, हाँ। हेड में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं क्या, नहीं। अच्छा इस्ट्रोजन फीमेल के अंदर क्या काम करता है, सारे काम पढ़ाए हैं मैंने। बंद कर यार, हाँ इस्ट्रोजन का काम याद है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में याद है, एलएच पर नेगेटिव फीडबैक लो कंसंट्रेशन और एलएच पर पॉजिटिव फीडबैक हाई कंसंट्रेशन में, माँ बस दिन मिनट में क्लास मान करा दो प्रदेश तो माँ ममता संजा लाया तो। हाँ मामा, मामा क्लास हमें भी तो हाँ क्लास हमें को गलाया हम तो बस चार बस सवाल इनके पूरा करो, अच्छा दिन में क्लास स्टार्ट
हाँ भाई इमीडिएट मेंस्ट्रुएशन का हो गया। एफएसएच कहाँ पे काम करेगा कमेंट में बताएं। एफएसएच एफएसएच कौन से सेल पर काम करता है, सर्टोली पर या लेडिग पर? सर्टोली पर करता है ना एफएसएच। आईसीएसएच कहाँ पे करता है? आईसीएसएच वो लेडिग पर, इंडस्ट्रियल पर। वो क्या प्रोड्यूस करता है, करवाता है आईसीएसएच? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? स्पर्म की प्रोडक्शन को, फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, रेट को टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सवाल आया कि कौन सा ग्लैंड है जो मेंटेन करता है पीएच स्पर्म की। प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ाया मैंने अभी। हाँ कुछ सुने। सबसे ज्यादा नरिश कौन करता है? सेमिनल वेसिकल। नरिश सबसे ज्यादा सेमिनल वेसिकल करता है स्पर्म को, एनर्जी ज्यादा ये देता है। अच्छा उसके बाद सुने क्या पूछना था मुझे, क्या पूछना था, यहाँ पे लिखा भी नहीं रहा है सवाल। यहाँ से रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था? स्पर्म से रिलेटेड था मगर याद नहीं आ रहा अभी। एफएसएच एंड एलएच का सिनर्जेटिक फंक्शन पढ़ा लिया, ओव्यूलेशन और स्पर्म प्रोडक्शन, और स्पर्म डक्ट क्या है, स्पर्मेटिक डक्ट। स्पर्मेटिक डक्ट हम कहते हैं इसको, स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं इसको जो टेस्ट से बाहर निकलते हैं, वो स्पर्मेटिक डक्ट है। ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर स्पर्म का फर्क हो गया, स्पर्मेटिक का फर्क हो गया। हाँ भाई एक सवाल मुझे बताएं, अगर 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, ये सवाल था, 35 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए तो बताएं ओव्यूलेशन कौन से दिन हो। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है कि पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फॉलिक्यूलर, तीसरा ओव्यूलेटरी, चौथा लूटर। ये होता है 3 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी, 7 दिन भी, ये भी 6 दिन। अगर 5 दिन का है तो ये 6ठे दिन से 14वें दिन तक, 13वें दिन तक फॉलिक्यूलर, मगर फॉलिक्यूलर बढ़ भी सकता है, 15 तक भी जा सकता है, 16 पर भी जा सकता है, क्योंकि ल्यूटल कांस्टेंट है 40 डेज का। पढ़ाया था ना ल्यूटल कांस्टेंट है 14 डेज का, 14 डेज का कांस्टेंट है, तो 35 में से 14 डेज निकालें जो जवाब आए उस टाइम ओव्यूलेशन हो। 35 में से 14 को माइनस करें जितने बचे, मुझे नहीं आ रहे जितने बचे आप नहीं आ रहे, 21। ठीक है ये कांस्टेंट है ना भाई, इसमें चेंज नहीं होगी, ये इधर उधर। नॉर्मली अगर 28 दिन की है तो ओव्यूलेशन 14 डे पर। ठीक है चलो, और सेक्स शो कब होती है? 2 से 3 मंथ तक हुक्म चल रहा फेडरल नहीं चला तो सेक्स शो दिया। अच्छा हाँ भाई फेडरल कह रहा है जो बच्चा होगा 3 मंथ का होगा फिर सेक्स शो होगी। ठीक है, और पंजाब में मेंशन नहीं है तो हम फेडरल को मान लेते हैं ये बात। चलो एफएसएच और एलएच सेल्फी करनी आ लो छुट्टियां। फाइल में